Kimisi tursa da resminde, savuruyor de aşıkan kupesizine. Wa kim cana zuma vavra, musafir prekda ho Khuday badi satina. Meda meda baram pa munga dwalu varedu, janan chira sara upadi danna maledu. कश्मीर में काम करते थे गधे का काम करते थे तब मेरा वो कबाड़ पर बैठता था और मैं यहाँ पे गधे दुकानों से लेकर आते थे कभी 100 कभी 200 वहाँ पे काम नहीं होता था फिर मैं अपने अबू से कहा कि मैं कराची जा रहा हूँ अपने चाचे के बेटे से उन्होंने मुझे फिर कराची लेकर आया और उसने जब दोपहर का टाइम था इसने कहा कि चलो इसे चक्कर लगाएंगे जमजमा के पास मैंने जमजमा को देख लिया मेरा होश उड़ गया कि भाई ये कौन सा जगह है फिर यहाँ पर हम ठहरने लगे सेठ के साथ इसके साथ हमने बात किया कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करेंगे और हमारे घर में 9 लोग रहते हैं हम जब यहाँ कराची से कुटा जा रहा है तो हम 3 बहनें और 4 छोटे भाई हैं उसके लिए कुछ छोटे से छोटे से किसी को गाड़ी लेके जा रहा है किसी को गाड़ी लेके कुछ गिफ्ट लेके जा रहा है उस वो हमसे बहुत खुश होता है इतना खुश होता है कि वो हमें रास्ते में आकर कि भैया क्या लेकर आया है वो लेकर आया है क्योंकि हमारे घर के खर्चे ज़्यादा है इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं और हमें भी कोई ये काम हमें भी पसंद नहीं है कि ये गंदा काम जो आदमी जा रहा है हमें गाली दे रहा है यहाँ तक तो कोई कुत्ता में देखे वहाँ पर हमारे हमें बोख रहा है भला हम ये जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है लेकिन इसमें इसमें हम बहुत खुश हैं घर वालों को मतलब ख़ास तो नहीं पता है कि ये काम हो रहा है फिर भी हम वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ क्या काम करते हो हम लोग उसको कह रहे हैं कि हम वहाँ पर कोई नौकरी कर रहा है किसी बंगले में किसी गाड़ी ये काम कर रहा है फिर उन लोगों को यकीन है कि हम ये काम कर रहा है फिर हम हमारे साथ ज़िद कर रहा है कि ये काम नहीं करो भले हम भूखे नहीं मरेंगे इससे जो तुम ये काम करे गंदा है फिर हम उसको कह रहे हैं कि हम पर पासवर्ड इससे अलावा क्या काम हो सकता है जो कोई पढ़ा लिखा तो हमें ही नहीं जो हमारे साथ हमारे को नौकरी दे हम यहाँ पे गत्ता चुनता है और शीशा चुनता है प्लास्टिक चुनता है ऐसे चूरा डब्बा होता है गैस का बोतल होता है हम चुनता है और यहाँ तक हमें जो सेंट का बोतल शीशा मिलता है तो हम इसको अलग लेकर जला अलग ले गोदाम पर लेकर चलता है वहाँ पे कोई लोग आते हैं उसे 30 रुपये हम बेचते हैं वो पाकिस्तानी सेंट डालकर लोगों को एक बेवकूफ़ बना रहा है कि इसमें भाई कनाडा वाले सेंट है इंग्लैंड वाले सेंट है जहाँ तक ये हम जिस सेट को हम फरे माल हम बेच रहे हैं गत्ता 13 रुपया किलो में बेच देता है और प्लास्टिक 18 रुपया और बाकी रह गया जो और सामान था इसके अलग अलग हर चीज़ का अलग अलग कीमत होता है हमारे पास 10-15 लड़के होते हैं जो आते हैं गांव से कोयटा से यहाँ पे आके काम करते हैं वो लोग लड़के बाहर से जमा करके ला रहे हैं फिर हम यहाँ पे 3 बंदे बैठ के इसको अलग अलग करवाते हैं ये शेरशाह जाता है कुरंगी जाता है शराबगोड़ जाता है हर चीज़ अलग अलग बंदा आके लेके जाते हैं अब देख रहे हैं हम इसको यहाँ से जमा कर रहा है उस बोरे में डाल रहा है फिर वहाँ बाद में उस गाट में डाल रहा है इसको एक आदमी आके उसके ऊपर चढ़ जाता है उसको बना रहा फिर गाड़ी में हम इसको बंद करके लेके जा रहे हैं 15-10 गाट हो जाएंगे उसके बाद उसको ले जाएंगे महीने में हमारा बन जाता है बस 16-15 हज़ार गर्मी में तो अच्छा है 20-25 आराम से बच जाता है गर्मी में इसकी वजह से काम ज़्यादा हो जब एक आदमी घर से निकलता है जो उसके ऊपर पसीना आ जाता है तो एक टिशू इस्तेमाल कर देता है जब फिर वो घर वापस चला जाता है तो वो बार बार एक टिशू इस्तेमाल करता है इसी की वजह से हमारा काम ज़्यादा होता है मिडिल क्लास लोअर क्लास जो भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते जो मजदूर तबका है 200-250 दिहाड़ी वाले लोग होते हैं अब वो खाना तो अफोर्ड नहीं कर सकते उसमें 200 रुपये का खाना खाएंगे तो उनको बचेगा क्या वो लोग यहीं से खाते हैं आगे उसमें हमारी ऑनर्स की तरह से पॉलिसी है ये खाना इधर वोडाना किसी 1:30 बजे रोटी देता है दो रोटी देता है एक सालंग देता है और कभी देता है कभी नहीं देता है और कभी कभी तो सालंग देता है रोटी नहीं देता है और हम इधर मार्केट में घूमता है 20-30 लड़के होते हैं तभी किसी को आने नहीं देता है इसलिए हम कागज़ कम पड़ता है ना हमें बता रहा है कि यहाँ पे मत आया करो तो हम उसे पूछते हैं क्यों नहीं आया यहाँ पर वो लगा हमें कह रहा है कि इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे 10-15 लोग रह रहे हैं ये काम कर रहा है अगर आप आएगा तो वहाँ पे काम कम पड़ जाएगा
पूरे हफ्ते में एक बार छुट्टी होती है, थकावट दूर करते हैं तो हम किनारे पे आ जाते हैं। और यहाँ पर 5-6 दोस्त होते हैं, कभी अकेला होता है, कभी कोई होता नहीं। चाहे वो यहाँ घुड़ सवारी करता है या वो करता है तो हमें अकेला आता है। यह समंदर की जो आवाम हमारे जिसम जो लगती है, जैसा हमारा जो दिल जो है ये सब ताज़ा हो रहा है। इस जैसा ये समंदर की आवाम इतनी अच्छी लगती है क्योंकि जो हमारे दिल में जो थकावट है वो सब दूर हो जाता है। तुम्हें पता है भाई, जब भी हम यहाँ पर आता है तो मुझे अपने ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पर आया हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने जो है एक बहुत बड़े पहाड़ है। पहाड़ जहाँ तक काम करता है तो पहाड़ी नज़र आती है, और उस पहाड़ों में इतनी खूबसूरती है कि मैं आपको क्या बताऊँ।